बोलो बोलो। कुछ जिज्ञासा करना, कुछ प्रश्न हो तो बोलना। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। सत्संग, सत्संग और प्रवचन दोनों एक वस्तु नहीं है। सत्संग और प्रवचन दोनों एक वस्तु नहीं है। प्रवचन होता है वक्ता, जो कहेंगे तुमको सुनना पड़ेगा, तुम कुछ बोलना नहीं है। अगर कुछ बोलना है तो उनके घर में जाके बोलना। लेकिन जब प्रवचन होता है उस समय तुम खड़े होकर नहीं कह सकते, आप रुको रुको, आप ये क्या कह रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये चलेगा नहीं। वहां तो प्रवचन कथा हो रही है बस। अब जो भी कहे वो तुमको सुनना पड़ेगा, तुम्हारा पसंद नहीं हो तो उठ के चल दो, तुम्हारा पसंद नहीं हो तो उठ के वहां से चल दो। लेकिन प्रवचन ऐसा नहीं है। प्रवचन सत्संग, पहले तो सत्संग होती है सज्जन संग। प्रथम भक्ति सज्जन कुरु संगा। सज्जन माने जो सत, सत माने सत्ताश्रयी, माने भगवान को ही आश्रय करके भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए, वह सत्ताश्रयी। जिनका संकल्प सत्य है, हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, यह सत्ताश्रय। सत्य ही जीवन है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना सत्यज्ञ वैष्णव जना। वह वैष्णव काम क्रोध विहीना हिंसा दंभ विवर्जिता, हिंसा नहीं, कोई दंभ नहीं। दंभ मैं पंडित हूं, मैं मानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ये सब दंभ, ये सब दंभ और कुछ नहीं है। लोग तो देखते हैं सब में प्रभु हैं, सब हमारे लिए प्रणम्य हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, हम ही सबसे हीन हैं। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जहत न दियो तहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। यह विनम्रता इस संत में होता है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह लालसा, जगत कोई वस्तु पदार्थ के प्रति लालसा नहीं। वैष्णव जना, वो है वैष्णव। और भी वैष्णव है, लेकिन एक उत्तम कोटि का वैष्णव है, मध्यम कोटि के, एक प्राकृत प्राकृत कोटि के है। तीन प्रकार वैष्णव कहा जाता है, उत्तम कोटि के वैष्णव, मध्यम कोटि और कुमार श्रद्धालु, ये तीन प्रकार है। उत्तम कोटि के वैष्णव ऐसे महापुरुष के संग करने से फिर जा करके उनके संग से तुम्हारे भीतर जो सही, तुम्हारे भीतर जो भगवत कृपा प्रेरणा जो है वो तुमको अनुभव होगा। फिर उनकी कृपा से तुमको भजन में अनुप्रवेश होने के लिए प्रेरणा शक्ति आएगी। वो प्रेरणा महत संग से मिलती है, इसलिए सत्संग। सत्संग ऐसा होता नहीं है जहाँ तहाँ बैठ करके बात करने से, ये सत्संग नहीं होता है। आप साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमको दीजिए, भरी हो तो ना, खाली हो तो हमसे लीजिए, भरी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो घर घर पीजिए, यह है सत्संग।
कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कर सकते हैं, ये नहीं जो जो वक्ता बोलते रहेंगे झूठ बोलो कुछ भी बोलो सुनते रहोगे तो नहीं प्रश्न। और तुम भी कुछ जानते हो तो तुम भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं जो हम ही बोलेंगे, तुम भी कुछ बोलो हमको सुनाओ। एक है क्रेता है, एक है विक्रेता, एक है क्रेता भी है विक्रेता भी है, तीन प्रकार है। एक क्रेता है बाजार में जाते सिर्फ खरीदना है, और एक है विक्रेता है बाजार में बैठे उनको सिर्फ बेचना है, और कोई है कुछ बेचेंगे भी कुछ लेंगे भी। ऐसे साधु है कुछ है क्रेता मतलब सिर्फ चाहते हैं हमको कुछ मिले हमको कुछ मिले हमको कुछ मिले, जहां कुछ मिले वहीं से कुछ जो भी मिल जाए वो ग्रहण करते हैं, वो देखते नहीं है ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, यह है क्रेता। और विक्रेता है कोई कोई पाठक है वो सुनना नहीं चाहते हैं किसी का, सुनेंगे नहीं तुम प्रश्न करोगे तो सुनेंगे ही नहीं, वो है विक्रेता। हम जो कहेंगे तुम सुनो तुमको सुनना पड़ेगा, ऐसे भी है पाठक कथावाचक वो किसी का सुनते नहीं है, वो जानते हैं जो हम जो जान गए हैं हम एकदम उत्तम जान गए हैं हमको ये क्या शिक्षा देगा हमको सब शिक्षा मिल गई है, ऐसा अभिमानी भी है ये है विक्रेता। और एक क्रेता भी है विक्रेता भी है, क्रेता तुमसे कुछ मिलेंगे तो हम जरूर लेंगे चाहे छोटे हो चाहे कोई हो, अगर हमारे कुछ है हम भी परोस करेंगे परोसेंगे, ऐसे है ना ये सत्संग। तो इसको कहते हैं सत्संग है ना, शांत स्निग्ध अनिंदुक ये कई गुण से अलंकृत है जो साधु बस उनका संग करना चाहिए। शांत स्निग्ध महत्तर अनिंदुक ये चार गुण होना चाहिए। शांत है क्रोधित नहीं होते हैं, तर्क वितर्क करने से क्रोधित नहीं होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष करने से उत्तेजित नहीं होते हैं, शांति से बड़े प्रेम से उसको लेते हैं, महत्तर भजन करते हैं ऐसे नहीं आचरण करते हैं, आचरणशील अनुभवी है यह महत्तर। अनिंदुक है किसी का निंदा नहीं करते हैं, ऐसे गुण रहने से तो जा करके उसके संग करना चाहिए। बोलो। एक आज साधक से कुछ थोड़ी सी तर्क वितर्क सी हुई, फिर हमने शांत भी हो गए। ऐसी बात क्या थी कि वो हमसे कह रहे थे कि तुम राधा रानी के उपासक हो तुम राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेते। हमने कहा कि हमारे जो आचार्यगण हैं हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र दे करके गए हैं तो हमें राधा नाम से क्या लेना देना, हमारे जब महाप्रभु हमें दे करके गए हैं तो हमें वो ही करना हमारे लिए उचित है। तो इसमें समाधान चाहते हैं, क्या हमने कोई गलत ना लेना देना नहीं है, राधा नाम तो करते ही हरि नाम महामंत्र तो राधा कृष्ण नाम ही है, हरे शब्द में राधा संबोधन वाचक जो कृष्ण का अंत कर चित्त वृत्ति को हरण करते हैं हरण करने में समर्थ है, ऐसे जो है वह है हरे, हरे माने राधा यहाँ कहा गया है। कृष्ण जो कर्षण करते हैं समस्त जीव जगत को आकर्षण करते हैं वो है कृष्ण, राम माने रमयति इति राम सब जीव के आत्मा के रूप में जो रमन कर रहे हैं वो है राम, राम माने दाशरथी राम नहीं तो रमयति ये भी कृष्ण है, तो ये राधा कृष्ण है हमारे। देखो राधा रानी के पास जाकर के तुम अगर राधे 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 करोगे उसमें राधा रानी का उतना आनंद नहीं उतनी खुशी नहीं,
तुम कृष्ण के कान में जाके राधे 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 कहोगे तो कृष्ण एकदम ऐसे पुलकित हो जाते हैं, आनंद भाव सिंधु में उफान आ जाती है। आहा, कौन ने हमको राधा नाम सुना दिया। और राधा रानी का पास जाके तुम कृष्ण 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 करोगे तो राधा रानी ऐसे पुलकांगी हो जाती है, महाभाव समुद्र में आनंद की उफान आ जाती है ना। इसलिए हम कृष्ण कृष्ण करते हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, हमारे भीतर राधे राधे जप रहे हैं। हम राधा दास ही हमारे उपासना, कोई जानते ही नहीं है, बहुतों जानते हैं हम ही राधा रानी के बड़े प्रिय हैं, ये लोग कुछ नहीं है, हमारे उपासना ही है राधा स्नेहाधिका। राधा रानी के जो पंचविध सखी है, सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी प्राण सखी नित्य सखी, ये नित्य सखी है राधा स्नेहाधिका। हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं, राधा रानी की प्रसन्नता ही उनके जीवन उनके सब कुछ सर्वस्व है, समस्त इंद्रिय वृत्ति सब राधा रानी के लिए। यह हमारे उपासना पद्धति मंदिरी भाव हमारी जो उपासना है, हमारे उपासना राधा रानी, हम राधा रानी राधा नाम ही कहेंगे। हमारे भीतर चल रहा अहर्निश राधा 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 राधा, हमारे अनु पर मन में चल रहा राधा 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 राधा, बाहर में राधा रानी का प्रसन्नता ली कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, राधा रानी सुन करके प्रसन्न होते हैं। कौन बोलते हैं हम राधा ना, राधा ना हमारी उपास्या है, राधा रानी हमारे इष्ट है, राधा रानी हमारे इष्ट है, हमारे इष्ट कृष्ण नहीं है, हमारे इष्ट राधा रानी है। हमारे रसशास्त्र जो है खोल के देखो, हमारे जो उपासना पद्धति क्या है, भक्ति रसामृत खोल रसामृत सिंधु खोल के देखो क्या है हमारे उपासना, उज्जवल नीलमणि खोल के देखो क्या है हमारी उपासना। हमारे हम राधा नाम नहीं करते ये कोई बात है, लेकिन हमारे भीतर राधा बाहर कृष्ण, हमारे राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम कृष्ण 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 करते हैं। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोजी गिरिधारी। हम गिरिधारी भगवान कृष्ण का क्यों पूजन करते हैं ना, मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ, राधा रानी के प्राणनाथ, राधा रानी के प्राण एक पत्थर होता है तो हमारे प्राण वो पत्थर है। राधा रानी स्वर्ग को जानते ही नहीं, राधा रानी जब मानिनी हो जाती है कुंज में निकुंज भवन में राधा रानी बैठी है मानिनी हो करके, तीव्र मान कृष्ण को अनुप्रवेश करने नहीं देना, हे सखी कृष्ण के कुंज में प्रवेश करने नहीं देना, ऐसे है तीव्र मान। और वो मान आकर के मंदिर के भीतर भी संचारित होती है, राधा रानी मंजरी क्या है, राधा रानी के एक स्फुरन स्पार्किंग भीतर से, राधा रानी के भाव का जो स्पार्किंग हो रहा है ना वो एक स्पार्किंग है ये मंजरी, वो स्वरूप राधा रानी प्रदत्त स्वरूप, राधा रानी ने कृपा करके वो स्वरूप देते हैं, वो स्वरूप प्राप्त करना साधन सापेक्ष नहीं वो कृपा सापेक्ष, जिनके प्रति कृपा करके राधा रानी वो स्वरूप प्रदान करते हैं सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो साधन के द्वारा तपस्या के द्वारा वहां पहुंचना वो स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रीमती समा सभी देह भेद मात्र एक प्राण एक आत्मा सभे राधा तंत्र, संभोगेर काले दुह आनंदे उल्लास राधांगे पुलक भाव सखीते प्रकाश, যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। শ্রীমতির সমাসবে একদম রাধা রানী কাই এক ডিটো এক রাধা রানী ছোটি সি এক রাধা রানী, হ্যাঁ রাধা রানী তো হ্যাঁ ব্যক্ত যৌবনা, হ্যাঁ ফির নব যৌবনা অষ্টপ্রধানা মঞ্জুরি আর ইয়ে বয়স সন্ধি উমর মে ছোটি হ্যাঁ, লেকিন রাধা রানী কে এক स्फुरन स्पार्किंग श्रीमती समासवे राधा रानी का ही जैसे एक डीटो एक राधा रानी, देह भेद मात्र, सिर्फ भेद कितना है शरीर का भेद है,
दिखने में लगता है अलग, राधारानी अलग, राधारानी अलग नहीं, वो एक राधारानी है। राधारानी माने अणु परमाणु सब कुछ राधारानी, राधारानी छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, उनकी भजन ही है राधारानी कृष्ण स्नेहादि का। इसके कहते हैं एक प्रेम जो है तीन प्रकार है, साधारणी सामंजस्य सामर्थ्य रति, साधारणी रति सामंजस्य रति और सामर्थ्य रति। साधारण रति मथुरा में, सामंजस्य रति द्वारका में, सामर्थ्य रति वृंदावन में। सामर्थ्य माने हर तरह से कृष्ण को वशभूत करने में जो समर्थ है वो है सामर्थ्य रति, वो रति एकमात्र वृंदावन में। वृंदावन धाम से देवे लगोचर सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर समर्थ। उस सामर्थ्य रति के अंदर भी एकाए संभोग इच्छामयी, एकाए तद्भाव इच्छामयी। तद्भावच्छामयी माने राधारानी के भाव से भाविता, तद्भाव माने राधारानी के भाव से भाविता, चित्त वृत्ति जिनकी वह है तद्भाव इच्छामयी। इसको कहते हैं भावोल्लास रति। ये भावोल्लास रति जो है ये एकमात्र मंजरी में है, ये मंजरी उपासना। भावोल्लास माने राधा रानी की भाव से उल्लसित जो रति है उसको कहते हैं भावोल्लास रति। ये रति किसी में है नहीं, ठाकुर जी में भी है नहीं, राधा रानी में भी है नहीं, ये भावोल्लास रति एकमात्र मंजरी में है। जत सुख पाए पुरुष भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आश्चर्य संगिनी। कोनो छले एक संगे सुखी ने मिलाए से आनंद देखे सुनिकोटी सुख पाए। आपस में दोनों जो निभृत निकुंज में जो लीला विलास करते हैं, एक है कुंज एक है निकुंज एक है निभृत निकुंज। कुंज है मैंने मान लीजिए हमारे जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री खींचा हुआ है आश्रम, इसको मान लीजिए कुंज, ये प्रिया कुंज है। और निकुंज किसको कहते हैं, निकुंज कहते हैं यहाँ सब कोई आ सकते हैं, कोई भी है वो सब यहाँ आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो भीतर हम बैठते हैं वहां सब कोई का जाने का अधिकार नहीं, पूछना पड़ेगा आ सकता हूँ कि नहीं है, तो वो वही जा सकते हैं जिसको बुलाया जाएगा आप आइए, ऐसा नहीं बाहर के लोग भीतर प्रवेश कर जाएगा। ऐसा ही कुंज है बाहरी जो चारों ओर घिरा हुआ है, वहां सखी है, द्वारपाल है, सब सखी है, ऐसे नहीं कोई भी घुस जाएगा ऐसे नहीं, वहां सब कोई घुस नहीं सकते हैं, सबका अधिकार नहीं है। ठाकुर जी आएंगे वो भी परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं ठाकुर जी भी घुस जाएगा ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आते हैं फिर राधारानी के पास संवाद भेजते हैं, तो सखी अगर राधारानी प्रसन्न है तो बड़े आदर करके फिर बड़े स्वागत करके आदर करके फिर ले जाते हैं। ये जो कुंज है यहाँ सखा है, जो सखा है ना कृष्ण सखा, सखा भी चार प्रकार, सखा प्रिय सखा प्रिय नर्म सखा और प्राण सखा, ये चतुर्विध सखा है सखा प्रकरण। एक सखा है साधारण सखा जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, ग्वारिया है ना, तो ग्वारिया में बड़े बड़े हैं जो उम्र से बड़े, वो भी तू तू मैं चलता है वहां, आप आइए बैठिए नहीं है, उम्र से बड़े लेकिन तू तू मैं ग्वारिया लोग ऐसे होते हैं। और कृष्ण से जो छोटे हैं ये जो है इसको कहते हैं सखा, साधारण सखा। ये कैसे है ना, ये है एक दास मिश्रित सख, एक है वात्सल्य मिश्रित सख, सखा है सखा है, थोड़ा सा प्रकरण थोड़ा सा बोल विषय जिज्ञासा आ गया ना,
इसीलिए राधा नाम की विषय ना हमारी उपासना क्या है उनको जानना चाहिए। घमंड करने से तो होगा नहीं, जब हम बड़े राधा रानी के बड़े प्रिय हैं और सब गौण है, ठीक है, प्रिय होना तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमारे लिए प्रणम है, आदरणीय है, हम तो राधा जो राधा नाम करते हैं, जो राधा रानी की उपास्या है, मैं तो उनके चरण धूलि लेना चाहता हूँ, मैं तो उनके चरण रस लेकर के उनके चरण धुला करके पान करना चाहता हूँ, ऐसे भक्त जो है वो बात नहीं है। तो एक सखा है, साधारण सखा, सखा जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, तो वह है कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, लेकिन सखा है, और कृष्ण का उनके प्रति दास्य मिश्रित सख, और कृष्ण के प्रति उनके वात्सल्य मिश्रित सख, यह साधारण सखा। प्रिय सखा है जो सम उम्र के हैं, एक ही उम्र के है ना, वह है प्रिय सखा। प्रिय नर्म सखा है उसके अंदर जिनके साथ ज्यादातर मिलते हैं, जुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ऐसे भी है ना, सभी तो सखा है, मित्र है, मित्र होने से कुछ कुछ मित्र होता है जो कि हर समय आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब हर काम में ऐसा रहता है ना, इसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा। यह है स्तुक कृष्ण मधु मंगल श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम आदि जो है, यह है प्रिय नर्म सखा, है ना। और एक प्राण सखा, प्राण सखा एकमात्र सुबल, ये सुबल जो है ये माने इतने निगूढ़तम रहस्य जो है राधा कृष्ण के अंतर जगत के खबर, राधा रानी के अंतर जगत की खबर एकमात्र सुबल जानते हैं। तो कोई जब संपर्क करना होता है तो पत्रवाहक रूप में नाना प्रकार संवाद दे करके ये सुबल को ही भेजा जाता है, सबको नहीं, सबको कहते भी नहीं है। राधा रानी भी ऐसे इतने है, तो राधा रानी के भाई सुबल है, राधा रानी के भाई, और सुबल सखा जो उनका चेहरा जो है ना एकदम डीटो राधा रानी, राधा रानी के भाई है, लेकिन डीटो देखने में एकदम स्त्री रूप धारण करने से ना मालूम होगा कि साक्षात राधा रानी आई है। तो अभी तो लीला विनोद के लिए ये राधा रानी बन के आती है, कभी 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 चली जाती है वहां, जाते हैं वहां, ऐसे ये लीला विनोद है। तो ये जो कुंज है, ये कुंज में प्रिय सखा प्रिय नर्म सखा इन लोगों का अनुप्रवेश है, आ सकते हैं, इतना तक आ सकते हैं। फिर मान लो हम भीतर रहते हैं, वहां तो हमारे परिचित भी ना, हम जिसको नहीं बुलाएंगे वो आ नहीं सकता है। ऐसे ही निकुंज भवन है, निकुंज और भी तरंग तरंग जहां क्या होता है, चौरस खेलते हैं, खान पियन होता है, हास परियास होती है, वहां जो है ना वह निकुंज, वहां तक प्रिय नर्म सखा तक प्रवेश होता है, जैसे मधुमंगल स्तोक कृष्ण श्रीदाम सुदाम वहां तक जा सकती है। और जो अंतरंग है वहां जा नहीं सकते, वहां जो निभृत निकुंज है वहां पर कोई सखा का अनुप्रवेश है नहीं। निभृत निकुंज माने जैसे मान लो हम भजन करते हैं जहां, वहां जो भीतर रहता है उनका भी प्रवेश नहीं है, जो हमारे भीतर जहां भजन करते हैं उस रूम में घुस जाएगा, भीतर जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा ही निवृत निकुंज जहां राधा कृष्ण निवृत में एकांत में विहार करते हैं, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं, कोई शौकियों का भी नहीं, शौकियों जा सकती है लेकिन कहां तक, बस उन राधा कृष्ण जुगल को निकुंज भवन में प्रवेश करा करके फिर जाके छुट्टी। आप ललिता विषय का चित्र यह है, अंतरंग सखी प्रिय नर्म सखी ललिता विषय का चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद सुदेवी, ये लेकिन इनका भी निभृत निकुंज में जहां लीला विलास होती है, निभृत लीला होती है, वहां उनके भी रहने का अधिकार नहीं है। वो लोग छुट्टी लेके फिर राधा ने वो सुला करके, कृष्ण सुला करके फिर जाके बाय बाय करके
चले जाती अपने कुंज में, ललितानंद दा कुंज, विशाखानंद दा कुंज, चित्रानंद दा कुंज, ये सब अपना अपना कुंज है सखियों का। कृष्ण कभी कभी अलग अलग कुंज में विहार करते हैं, ये अनंत कुंज है, वो कुंज भी अनंत है। तो ये जो अपना अपना कुंज है ललितानंद दा कुंज, कभी कभी कृष्ण ये ललितानंद दा कुंज में जा करके, कभी कभी राधारणी की इच्छा से ललिता आदि के साथ भी कभी कभी विहार करते हैं ललितानंद दा कुंज। ये भी राधारणी, राधारणी स्वयं, ये नहीं, राधारणी स्वयं उनको भेजते हैं प्रिय नर्म सखी ना, उनको भी आनंद वर्धन के लिए। ये तो अंतरंग है ना, ये सहस्रनाम में देखिए जो राधारण, ये जो सखियां है सब राधारणी है, वहां और किसी का अनुप्रवेश, कोई शक्ति का अनुप्रवेश है ही नहीं। जो अंतरंग स्वरूप शक्ति, वो अंतरंग स्वरूप शक्ति की जो प्रकाश है वो एक एक है प्रधान सखियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रलेखा। इसीलिए राधारणी के सहस्र नाम में है ललिता, विशाखा, विशाखा चित्रमालिनी, जितेंद्रिय शुद्ध सत्ता, ये सब नाम है राधारणी के सहस्र नाम में। देखिए ललिता सखी के ये सब राधारणी के ही नाम है। लीला विनोद के लिए, आनंद विनोद के लिए, ओ अखंड आनंद सिंधु के वैचित्री आस्वादन के लिए भगवान ये माधुर जो लीला जो ये प्रकटन करते हैं। ये मन बुद्धि के अगम्य, चिंता के अगम्य, ये ज्ञान विचार के अगम्य, ये साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य, कृपा करके जिनको राधारणी अनुप्रवेश कराते हैं वही श्री वहां अनुप्रवेश कर सकता है, जान सकता है, नहीं तो कदापि साधन चेष्टा के द्वारा विचार तो बहुत दूर की बात है। प्राकृत बुद्धि लेकर के तो वो चिंता के अगम्य, क्योंकि वहां पुरुष अभिमान का कोई अनुप्रवेश है नहीं। जब तक पुरुष अभिमान है तब तक वो निकुंज लीला छोड़ो, तुम बहुत दूर हो अभी, तुम अभी बहुत दूर हो। पुरुष अभिमान जब तक है, पुरुष अभिमान लेकर के राधारणी के मुख की तरफ झांकने का भी अधिकार नहीं है, देख ही नहीं सकते तुम वहां। तो सब राधारणी की एकदम प्रकृति। तो ये जो निवृत्त निकुंज है, इस निवृत्त निकुंज में एकमात्र मंजरी की ही अनुप्रवेश है, मंजरी वहां रहती है। राधा कृष्ण दोनों अपन भाव उल्लास में उल्लसित होकर के आनंद लीला अनुभव कर रहे हैं, वहां मंजरी देख रहे हैं। पंखा कभी पसीना आ जाती है तो पंखा करते हैं, आस्ते 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 पंखा करते हैं। कभी कभी मान लो राधारणी के केश अब कृष्ण के कुंडल के साथ ऐसे ये खा गया, पेच खा गया, अब घुमाते हैं तो वो खींचा होता है, खींचा होता है ना, तो ये मंजरी आस्ते आस्ते उसको छोड़ा देते हैं, वहाँ केश जहाँ अटक गया है। ऐसी निवृत्त वहाँ किसी का अनुप्रवेश है नहीं, ये है मंजरी। श्रीमती समाशा में देह भेद मात्र, एक मात्र राधारणी के जैसे शरीर का ही भेद है, वहाँ और किसी का अनुप्रवेश है नहीं। एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, यह है मंजरी उपासना, है ना। निसंकोच अणु परमाणु जो भी है वो सब राधारानी के लिए, राधारानी के सुख संपादन के लिए, राधारानी की प्रसन्नता के लिए। मान लीजिए राधारानी के प्रेम का ही एक मूर्ति है और पूर्ण रूप से राधारानी से, राधारानी के लिए ही समर्पिता और राधारानी की समस्त इच्छा ही उनकी एकमात्र इच्छा है, अपने स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं। एक दिन राधारानी प्रातःकाल अपने कुंज भवन में आकर के राधारानी शयन कर रही है, कृष्ण तो चले गए, तो राधा रानी सो रही है,
रात में निद्रा नहीं, वहां निद्रा तो है नहीं, है ना, निद्रा भी एक लीला है, सभी लीला है। तो मंजरी मतलब संवहन कर रही है, चरण संवहन कर रही है, इसकी से दबा रही है राधारानी के चरण को अपने गोदी में लेकर के, जैसे इसे चरण दबा रही है, मृदुमंद दबा रही है, और इतना खुदा झटका लग रही है निद्रा की, ऐसा कर रही है। वो भी सोए नहीं ना रात भर, तो मंजरी सोए नहीं, कहाँ सोना है, वो तो निद्रा नहीं, वो तो सेवा है ना। तो राधारानी सो रही है, चरण दबा रही है, ऐसे झटका मार रही है, निद्रा का प्रकोप आ गई ना। ये भी लीला है, ये तो जोगमाया कृत ना, वहाँ तो ये भूख प्यास जो भी है, ये तो हमारे जैसे शरीर धर्मी है नहीं, हम लोग उनका भूख प्यास निद्रा आदि जो भी है ये शरीर धर्मी है, प्रकृति जातो माने माया के द्वारा कृत है, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं है, वो जो भी होती है वो पूरा ही जोगमाया कृत आनंद लीला वर्धन के लिए, वो सब लीला है, और लीला वर्धन के लिए ये सब जो माँ का शरीर दिव्य दिव्य से परे है, हम लोगों का शरीर शरीर जो है दिव्य एक दिव्य से परे है, वो तो अचिंत। ये देखिए, ये शरीर जो है यह अशुद्ध सत्व, ये शरीर पंचभौतिक शरीर में जो जीव तत्व है माने बहिर्मुख जीव जो है शरीर धर्मी, यह अशुद्ध तत्व, अशुद्ध तत्व माने रस रक्त मांस में दोस्ति मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना, परिवर्तनशील, प्रारंभ संकोचन प्रलय, परिवर्तन परिवर्तन संकोचन, ये अवस्था शरीर का होता है, भीतर से गंदगी भरा हुआ है सब, एक पद शरीर का गंदगी, तत्सहित मन का गंदगी, मन में भी नाना प्रकार विकार विकृति, तो इसको कहते हैं अशुद्ध सत्व। और जीव चैतन्य सत्य जो है शुद्ध सत्य है, और वो जो स्वरूप है ना वो विशुद्ध सत्य, उससे भी ऊपर चिन्मय से परे, चिन्मय ही है, चिन्मय से परे माने वो उससे भी परे है, अगम्य है, यह अशुद्ध सत्य। जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्य माने मूल जो चैतन्य सत्ता, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममई वंश जीव लोके, मेरे अंश जो है वो है शुद्ध सत्व, और वो जो स्वरूप है विशुद्ध सत्व, उसके ऊपर और विशुद्ध सत्व, वो अल्लादिनी शक्ति राधा रानी के अनुग्रहित कृपा प्रदत्त जो स्वरूप, वो स्वरूप विशुद्ध सत्व, वो साधन सापेक्ष है नहीं, उसको अचिंत है, अगम्य है, ये वो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप साधन के द्वारा, जब साधन करते 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 राधारानी के कृपा पुष्ट होकर के एक समय जा करके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, प्रेम अवस्था में जा करके जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, तो राधारानी के कृपा प्रदत्त स्वरूप में जा करके वो सत्ता विलय हो जाता है। अभी हमारे शरीर में आत्मा जो है पंचभूत में विलय है, पंचभूत में विलय होने का कारण आप एक शरीरधारी बन गए हैं, हम शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर में आत्मबुद्धि जाए ये है जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, लेकिन वहां ये शरीर में आत्म शरीर में ये नहीं, तदात्म तन्मयता नहीं, वो आत्मा जो है जा करके विशुद्ध सत्व में विलय हो जाते, उस स्वरूप में आत्मा से परे विशुद्ध सत्व, आत्मा के परे विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व साधना के विषय तो है नहीं, है ना, तो वहां जाकर के उसमें विलय हो जाता है वो स्वरूप, ये है मंजर स्वरूप उपासना पद्धति। हमारा हुआ नहीं अभी तक, तो राधारानी के चरण को लेकर के इसमें आश्वादन कर अच्छा लगता है, प्रश्नकर्ता होना चाहिए, प्रश्नकर्ता ही है नहीं इस विषय में, सब प्रश्न करने से तो विषय है, ये सब गोपनीय विषय नहीं, सब बाजार का विषय नहीं है, ये सब अति गोपनीय विषय है। तो राधारानी के चरण गोदी में लेकर के संवहन कर रहे हैं मंजरी, और झटका लग रही है ऐसे ऐसे ऐसे, राधारानी अचानक देखती है मंजरी नींद आ रही है, छोटी है ना उम्र से, छोटी है ना, ए चल सो जा हमारे पास,
खींच करके अपने बगल में सुला लिया मंजरी को, सुला करके पकड़ लिया, चल हमारे साथ सो जा राधा रानी। पकड़ के राधा रानी तो सो गई। आप वहां तो कृष्ण सरकार को जानते नहीं है और मंजरी को समझ लिए हैं कृष्ण है, ये भी लीला है। और वो जो प्रेम के जो चरम उत्कर्ष था उसको मंदिर को आस्वादन करा रहे हैं, चरण में चरण देकर के एकदम माने निद्रित अवस्था, ये भी लीला है, आस्वादन करा रहे हैं मंजरी को। मतलब कि श्री जी मंजरी को क्या आस्वादन कर रहे हैं? कृष्ण का से, कृष्ण से मिलन का जो चरम उत्कर्ष मंजरी को आस्वादन करा रहे हैं, मंजरी को उस भाव से उनका आस्वादन करा रहे हैं, है ना, एकदम एक निभी तो एकदम एकांत छाती में भर लिए हैं मंजरी को। ये अगम्य है, ये लीला मंजरी को कृपा करके वो दिव्य रस वो क्या है वो आस्वादन करा रहे हैं। देखो ये एक लीला है ना, भावना में भावित होकर। तो ये जो लीला है ये कहाँ है, ये कौन सा और कौन उपासना है इसके ऊपर? तो ऐसा बात नहीं है जो हम राधा रानी का नाम नहीं करते हैं। हमारे भीतर तो राधा 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 कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य है राधा रानी, इसीलिए हमारे भीतर राधा बाहर कृष्ण, ये हमारी उपासना है। हम हरे कृष्ण करते हैं और भीतर राधा 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 चलते हैं। बोलो फिर, जिन्होंने कभी राधा नाम नहीं लिया हो और हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप अनवरत जीवन पर्यंत किया हो, तो क्या राधा रानी के हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर सब कुछ निहित है? इसको कहते हैं महामंत्र, महामंत्र मंत्र राज कहते हैं महामंत्र। इस मंत्र के अंदर सप्त समस्त शक्ति निहित है, एक है नाम एक है मंत्र। नाम मंत्र नहीं है, नाम के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। एवं प्रतो सप्रिय नम कीर्ता, एवं प्रतो सप्रिय नम कीर्ता, एवं व्रतो सप्रिय नम कीर्ता जतानुरग दुत चित्त उच्च हसती अथ रोदति रोति गायती उन्नमद नृत्यति लोकबाज्या। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्तन, नाम कीर्तन। लेकिन ये जो मंत्र है, मंत्र के अलग अलग शक्ति होती है। कोई कोई मंत्र है शक्ति प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक, कोई कोई ऐश्वर्य प्रकाशक, ये सब मंत्र अलग अलग है। कोई मंत्र है जो भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि, पेताल सिद्धि, ये सब क्या मंत्र है? वो मंत्र शक्ति और भूति आएगा उसके सामने, तो है ना। ये मंत्र अलग अलग, मंत्र अलग अलग शक्ति है। तो ये जो हरिनाम महामंत्र ये प्रेम प्रकाशक है, ये जुगल प्रेम प्रदान करते हैं। कैसे भी लो, कैसे भी लो, तुम जान के लो, अनजान से लो, कैसे भी लो, इस मन ये जो मंत्र इसका फल क्या है? प्रेम है। इसीलिए सिद्धावस्था में भी हरिनाम करते हैं। और ये नहीं जो ये मंत्र सिर्फ एक ही उपासना के लिए, कोई भी संप्रदाय कोई भी आराधक हो हरिनाम महामंत्र अगर आश्रय करते हैं उसको अपने इष्ट सिद्धि में बहुत ही नाम जो है कृपा करेंगे उसको, बहुत जल्दी वो निकल जाएगा अपने। इसलिए हमारे भारत में बहुत सारे संप्रदाय है, सब ज़्यादातर संप्रदाय हरिनाम करते हैं। रामानंदी में बहुत है हरिनाम करते हैं, और ब्रह्मानंदी में बहुत सारे हरिनाम करते हैं, और भी जो की साधना में उनमें देखे हैं हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं। ये कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं जो ये गौरिया का हरिनाम है, ऐसे बात नहीं। ये तो जो जानते नहीं है वो ऐसा कहते हैं, ये तो कोई भी कर सकते, सभी के लिए कोई भी कर सकते। अगाध ज्ञान, नाम में अगाध ज्ञान।
उस दिन आपने बताया था, उस दिन आपने बताया था कि एक कुटी में, जब किसी महात्मा की कुटी में हम गए और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का अणु परमाणु वहाँ की ईंटों में से भी हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा था, तो क्या ऐसा अगर उन्होंने राधा नाम लिया होता, या क्या उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को ही अवलंबन करके? हरे कृष्ण महामंत्र नाम ये हमारे मूल जप है, जप करने का कीर्तनीय है, ये मूल है, इसीलिए हरि नाम हम लोग करते हैं सब। ऐसा नहीं जो राधा नाम करते नहीं है, राधा नाम निषिद्ध है, ऐसा कुछ सोचते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। खूब राधे राधे करते हैं, खूब राधे, लेकिन ये मंत्र है, ये मंत्र का फल क्या है? प्रेम है। इस पे तुमको जुगल किशोर के चरण में प्रेम मिलेगा ये मंत्र के द्वारा। इसीलिए बहुत सिद्ध महात्मा भी हरे कृष्ण ही जपते हैं। हमारे गुरु जी भी सिद्ध थे, हमारे गुरु जी को साक्षात राधारानी प्रेम सरोवर में, वहाँ तो कृपा की है साक्षात राधारानी, हरिनाम करते थे। क्या जरूरत था हरिनाम करने का? अगर देखा जाए तो 500 साल के अंतर्गत जितने भी ज्यादातर 70-80% भक्तमाल खोल करके देखें तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही सिद्धि 500 साल के अंतर्गत जो देखा जाता है महाप्रभु के। हाँ, हरिनाम महामंत्र का ही व्यापकता, परिणाम हमारे भारत में जितना संप्रदाय सभी ये मानते हैं। ऐसे अभी देखा जाता है, अभी जो वर्तमान स्थिति में चाहे पहले से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया हो, लेकिन अभी कुछ ऐसी हवा चल रही है कि राधा नाम की महिमा सुनकर के वो हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ करके राधा नाम जप रहे हैं, तो क्या वो जप एक अलग चीज है और मंत्र नाम एक अलग चीज है? और मंत्र एक, हम तो पहले ही कह दिया, नाम कोई भी नाम तुम कीर्तन कर सकते हो, जप सकते हो, कोई दोष नहीं है। तुम्हारा जो मान जो नाम अच्छा लगे, सप्रिय नाम कीर्ता एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्च, श्रीमद भगवत कहते हैं एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्तन। सप्रिय नाम तुम्हारे जो नाम में रुचि है वही नाम कीर्तन करो, सप्रिय नाम एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता, उसमें जातानुराग द्रुत चित्त उच्च हर्षती रोदती है, ये बात है। लेकिन ये जो हरि नाम है ये मंत्र है, इसकी शक्ति क्या है? प्रेम है, प्रेम प्राप्ति के लिए हरि नाम मंत्र। ऐसा भी एक दिन आपने बताया था आप श्री के मुख से कि अगर एक नाम ही रहे तो ज्यादा उत्तम है, अगर बहु नाम होने से जप करने के लिए ज्यादा मंत्र जप नहीं करना चाहिए, एक ही मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि उसमें निष्ठा की हानि होती है, फिर कोई नाम में निष्ठा नहीं, कभी ये जपता है वो जपता है, फिर क्या होता है? एक नाम जपने से धीरे 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 उसके भीतर एक संस्कार बन जाता है, फिर ऑटोमेटिकली बिना चेष्टा से ही वो नाम उच्चारित होता है ना। और ये एक मंत्र वो एक मंत्र, कभी राधा नाम, कभी कृष्ण नाम, कभी कुछ कह दिया कभी, तो उसमें आगे चल करके वो ठीक निष्ठा नहीं होती है, उसमें ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जैसे ही जपो तुम सीताराम सीताराम ठीक है, उसी नाम को ही करते रहो, जपो उसको ही जपो, ये नहीं कि ये नाम करो वो नाम करो वो नाम करो। एवं व्रत सब प्रिय नाम करो, ऐसा व्रत धारण करो निज प्रिय नाम, सब प्रिय नाम करता ভালো করে দাঁড়িয়ে তো গুলাবের কাপড়ি গুলো না ছোট ছোট কথা। আচ্ছা ঠিক।